गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, चैप्टर थर्ड एंड टूडेज पेज नंबर 46 एंड लेट्स ट्राई थर्ड. ओके, द वर्ड हिम मीन्स स्नो एंड आले मीन्स होम इन संस्कृत. देखिए, हिमालय हम कहते हैं ना, तो हिमालय का क्या वर्ड्स है? देखिए, हिम मीन्स होता है स्नो होना, भाई हिम गिर रही है, तो हिम को क्या कहते हैं? स्नो कहते हैं. और आले का मतलब होता है घर होना, संस्कृत में कहा जाता है. व्हाट डू द टू वर्ड्स मीन व्हेन पुट टुगेदर? व्हाई डू यू थिंक दैट द हिमालयस हैव बीन नेम्ड सो? डिस्कस द आंसर विद क्लास. देखिए, अब ये है कि हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं अब इसके बारे में कि जैसे टू वर्ड्स अभी हमने लिया, हिम लिया एंड आले लिया, अगर जब इनको दोनों को हम साथ साथ रखते हैं तो इसका क्या अर्थ बन जाता है? और आप क्या सोचते हो कि हिमालय जो वर्ड है ये क्यों दिया गया है, ऐसा क्यों है, इसको नाम दिया गया है, तो आप बता सकते हैं इसके बारे में? तो देखिए, अभी हमने कहा हिम मीन्स स्नो होता है, आले मीन्स होम होता है, तो किसका घर? होम ऑफ स्नो, बर्फ का घर. और क्यों कहा गया है इसमें? बिकॉज दे आर ऑलवेज कवर्ड विथ स्नो, क्योंकि हमेशा किससे ढके हुए होते हैं? स्नो से ढके हुए होते हैं, इसलिए इनको हिम ऑफ, मतलब जैसे होम ऑफ स्नो कहा गया है. ओके, तो हिम आले कहा गया है, अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, लेट्स फाइंड आउट. अब देखिए, इन्हीं क्वेश्चंस के हम फाइंड आउट करते हैं, क्वेश्चंस के जो आंसर हैं इनको खोजते हैं. हिमालय, ए ग्रेट फॉल ऑफ माउंटेन्स स्प्रेड्स अक्रॉस नॉर्थ इंडिया फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर इन द वेस्ट टू अरुणाचल प्रदेश इन द ईस्ट. एक बड़ी सी दीवार है पर्वतों की जो फैली हुई है, स्प्रेड होना, फैली हुई होना, किसकी तरफ? नॉर्थ इंडिया की तरफ. फ्रॉम कहाँ से? जम्मू एंड कश्मीर से. इन द वेस्ट, कहाँ तक? वेस्ट तक, टू अरुणाचल प्रदेश. और फिर कहाँ तक जा रही? अरुणाचल प्रदेश से इन द ईस्ट, जो कि ईस्ट में है, वहाँ तक. दीज आर कॉल्ड द हिमालय, और इन सबको हम हिमालय कहते हैं. हिमालय मीन्स इज ए संस्कृत वर्ड. हिमालय जो वर्ड है एक संस्कृत वर्ड है, विच मीन्स होम ऑफ स्नो, जिसका मतलब क्या होता है? बर्फ का घर. मोस्ट पीक्स ऑफ द हिमालय माउंटेन्स आर कवर्ड विद स्नो थ्रू आउट द ईयर. जो हिमालय की पीक्स है, पीक्स यानी चोटियाँ हैं उसकी, वो अधिकतर क्या होता है? थ्रू आउट द ईयर. थ्रू आउट ईयर का मतलब क्या? पूरी साल. किससे ढकी हुई रहती है? स्नो से ढकी हुई रहती है. तो पर्वत हमेशा किससे ढके हुए रहते हैं? स्नो से. हिमालयस इज द हाईएस्ट माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड. संसार में हिमालय जो है वो सबसे ऊंची चोटी है, पर्वतों की सबसे ऊंची, मतलब श्रृंखला है, सॉरी, है ना, तो हाईएस्ट रेंज है. इट फॉर्म्स ए नेचुरल बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड चाइना, और यह निर्माण करती है प्राकृतिक सीमा का, किसके बीच में? इंडिया और चाइना के. जब हम भारत और चाइना है उसके बीच में किसका निर्माण करती है? दीवार का काम करती है, तो प्राकृतिक बाउंड्रीज बन जाती है वहाँ पे. टू ऑफ इंडियाज नेबर्स, नेपाल एंड भूटान आर आल्सो सिचुएटेड इन दिस माउंटेन्स. जो हमारे भारत के दो पड़ोसी देश हैं ना, नेपाल और भूटान, वे भी इन पर्वतों में स्थित है. इट प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द कोल्ड विंड्स कमिंग फ्रॉम द नॉर्दर्न रीजन्स ऑफ एशिया, और ये हमारी सुरक्षा करते हैं. किससे करते हैं? जो कोल्ड विंड्स होती है ना, जो कहाँ से आती है? नॉर्दर्न रीजन्स से आती है, जो उत्तरी क्षेत्रों से आती है एशिया के, उनसे भी हमारी रक्षा करते हैं. ईच ऑफ द थ्री हिमालयन रेंजेस, दैट इज द ग्रेटर हिमालय, द मिडल हिमालयस एंड द आउटर हिमालय, इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अदर. प्रत्येक जो तीन हिमालय की जो रेंज है, रेंज यानी जो उनकी श्रृंखला है, जिसमें ग्रेटर हिमालय है हमारा, मिडल हिमालय भी है और आउटर हिमालय भी है, ये हमारे क्या? इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अदर. लेकिन ये सब क्या है? एक दूसरे से डिफरेंट है, है ना, एक दूसरे से अलग है. नेक्स्ट, लेट्स ट्राई फॉर, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन योर नोटबुक. अब देखिए, क्वेश्चन जो है इनको आपको नोटबुक में ही करना है. तो क्या है फर्स्ट क्वेश्चन? व्हाट डज द वर्ड हिमालय मीन? व्हाई हैव द हिमालयस बीन नेम्ड सो? जैसे हिमालय वर्ड सभी हमने लिया था, उसका क्या अर्थ होता है, क्या मतलब होता है, और क्यों ये नाम दिया गया है, ऐसा क्यों नाम दिया गया है? तो आंसर क्या होगा इसका?
आंसर द वर्ड हिमालय मीन्स होम ऑफ स्नो. हिमालय वर्ड का मीन्स क्या होता है? होम ऑफ स्नो. द हिमालयस हैव बीन नेम्ड सो. और ऐसा नाम क्यों दिया गया है इसको? बिकॉज मोस्ट पीक्स ऑफ द हिमालयन माउंटेन्स आर कवर्ड विद स्नो थ्रू आउट द ईयर. मतलब इसकी जो पीक्स है, अधिकतर जो चोटियां हैं वो हिमालय पर माउंटेन्स की, पर्वतों की, वो ढकी रहती है थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल ढकी हुई रहती है स्नो से, बर्फ से. इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है? हिमालय मीन पड़ा है, जिसका मतलब होता है होम ऑफ स्नो. ओके, अंडरस्टैंड व्हाई? बिकॉज मोस्ट पीक्स ऑफ द हिमालयन माउंटेन्स आर कवर्ड विथ स्नो थ्रू आउट द ईयर. नेक्स्ट, राइट एनी टू वेज इन विच द हिमालयस आर यूजफुल टू अस. हमें दो रास्ते तरीके बताने हैं जिससे यह पता चलता है कि ये हिमालय जो श्रृंखला है, रेंजेस है, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है. तो देर आर टू मैन वेज इन विच द हिमालयस आर यूजफुल टू अस, जिससे की वजह से हिमालय जो है हमारे, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक है. दे फॉर्म ए नेचुरल बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड चाइना. देखिए, एक तो सबसे पहला रीज़न क्या है इसका, तो जो मुख्य कारण तरीके हैं वो ये हैं कि निर्माण करता है प्राकृतिक बाउंड्री का भारत और चाइना के बीच है. सेकेंड, दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द कोल्ड विंड्स कमिंग फ्रॉम द नॉर्दर्न रीजन्स ऑफ एशिया. और वे हमारी रक्षा भी करते हैं ठंडी हवाओं से जो कि हमारे उत्तरी क्षेत्रों से आती है, एशिया के, है ना, एशिया के जो नॉर्दर्न रीजन्स होते हैं, उत्तरी क्षेत्र हैं, वहाँ से आते हैं, उनसे हमारी रक्षा करते हैं. नेक्स्ट, लेट्स ट्राई 5. गेट इनटू पेयर्स, लुक एट द इमेजेस ऑफ द ग्रेटर हिमालयस एंड टिक द वर्ड्स दैट यू थिंक दिस इमेजेस डिस्क्राइब. मोर देन वन ऑप्शन कैन बी करेक्ट, शेयर द आंसर विथ द क्लास. देखिए, आपको यहाँ पे पिक्चर्स दिखाई दे रही है, ये ग्रेटर हिमालय से ली गई है. तो इन पे कुछ वर्ड्स आगे हम जब आगे पढ़ेंगे उस पर टिक करना है आपको, इस जो इस इमेजेस से डिस्क्राइब किया गया, वर्णन किया गया है. और बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए हैं इसमें, लेकिन इसमें से जो भी करेक्ट, एक वन ऑप्शन करेक्ट होगा, उस पर हमें टिक करना है. तो देखिए, फर्स्ट पिक्चर आपको क्या दिखा रही है? ए माउंटेनियर ट्रैकिंग इन द माउंटेन्स ऑफ द ग्रेटर हिमालयस. ओके, तो देखिए यहाँ पे दिखाया गया है कि माउंटेनियर ट्रैकिंग करना, यानी माउंट्स पे जो चढ़ाई करते हैं उसे कहा जाता है. तो ग्रेटर हिमालयस पे हमका ये कह रही है. नेक्स्ट पिक्चर में आपको क्या दिखाई दे रहा है? रिवर इंडस एंड रिवर गंगा अलोंग विद देयर ट्रिब्यूटरीज. अब देखिए, जब इंडस नदी है हमारी और गंगा नदी है, वो उनके सहयोगी नदियों के बीच में है, मतलब बता रहे हैं यहाँ पे. तो ग्रेटर हिमालयस और यहाँ पे ग्रेटर हिमालयस के बीच में है, तो ये आपको साफ पिक्चर में दिखाई दे रहा है. तो ये गंगा रिवर एंड इंडस रिवर है जो कि हिमालय से निकल रही है. क्लियर? तो ओके, नेक्स्ट. फर्स्ट, लैंड सरफेस. अभी क्या कहा गया था, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस है आपको, तो इसमें करेक्ट ऑप्शंस को आप चूज करना है आपको. क्या है लैंड सरफेस? अब तो लैंड सरफेस जो होगा वो कैसा होगा? हाई एंड पॉइंटेड पीक्स वाला होगा. कैसे होगा? हाई एंड पॉइंटेड पीक्स, स्टीप स्लोप्स होगी उसकी, रॉकी यानी चट्टाने होंगी, स्नो कवर्ड विद कवर्ड पीक्स होगी, यानी स्नो से ढकी हुई उसकी चोटियां होगी, ये सब होगा. तो हम किस पे टिक करेंगे? लैंड सरफेस पे, हाई एंड माउंटेड पीक पे, पीक्स पे करेंगे, एंड स्टीप स्लोप्स पे भी होगी हमारी, एंड नेक्स्ट रॉकी एंड स्नो कवर्ड पीक्स. अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, क्लाइमेट. अब यहाँ की क्लाइमेट कैसी होगी? यहाँ की क्लाइमेट जो होगी बहुत ज़्यादा ठंडी होगी. जो ग्रेटर हिमालयज होता है उस सबसे ऊंची चोटी को कहा जाता है, तो वेरी कोल्ड होगी यहाँ पे. स्टार्टिंग पॉइंट्स ऑफ रिवर्स. अब देखो, जो यहाँ स्टार्टिंग पॉइंट्स ऑफ रिवर्स होगी वो स्नो कवर्ड माउंटेन्स पे होगी, यानी जो बर्फ से ढकी हुई माउंटेन्स है उन्हीं पे हमारी जो नदियों के जो पॉइंट्स होंगे वो होंगे. नेक्स्ट, वेजिटेशन. वनस्पति कैसी होगी यहाँ पे? नो प्लांट्स. ऐसे में कोई प्लांट्स नहीं होंगे. हम बर्फ में कोई प्लांट्स लगा सकते हैं क्या? तो नो प्लांट्स. ओके, नेक्स्ट, लेट्स फाइंड आउट द ग्रेटर हिमालयस. अभी हमने बात की किस, कौन से हिमालय की बात कर रहे थे हम? ग्रेटर हिमालय की बात कर रहे थे. दिस इज द हाइएस्ट एंड द नॉर्दर्न मोस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द हिमालय. ये सबसे ऊंची है और उत्तरी
जो है हमारे उसकी मोस्ट माउंटेन रेंज है, यानी सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी है हिमालय की उत्तरी हिस्से की। दिस माउंटेन्स आर रॉकी विथ स्टीप स्लोप्स, और ये माउंटेन्स जो होते हैं रॉकी भी हैं, चट्टानी भरे हैं और स्टीप है, उनकी क्या खड़ी स्लोप्स है ना, खड़ी चढ़ाई है। सम ऑफ द हाइएस्ट पीक्स ऑफ द वर्ल्ड, कुछ है जो सबसे ऊंची चोटियां हैं संसार की, सच एज द, जैसे कि माउंट एवरेस्ट है, कंचनजंगा है एंड नंदा देवी है, आर लोकेटेड हियर, जो कि यहाँ स्थित है। दिस पीक्स आर ऑलवेज कवर्ड विद स्नो, और ये जो चोटियाँ हैं ना हमेशा किससे ढकी हुई रहती है, स्नो से। मैनी ग्लेशियर ऑफ द थिक मासेज ऑफ आइस आर फाउंड दे हियर, बहुत सारे ग्लेशियर्स होते हैं। ग्लेशियर्स आप जानते हो, ग्लेशियर हम उसे कहते हैं जो चट्टानों का जो सॉरी बर्फों का जो रूप होता है उसे हम ग्लेशियर कहते हैं। तो थिक मासेज यानी ठीक यानी मोटी मासेज यानी जो द्रव्यमान है स्तर है उनका आइस से आइस का आर फाउंड हियर, वो वहाँ पे रहता है ना, बहुत सारा मोटा हिस्सा जो होता है बर्फ से ढकी हुई रहती है वो। द लोअर पार्ट्स ऑफ दिस ग्लेशियर्स मेल्ट ड्यू टू द सन हीट्स, जो कि नीचे का हिस्सा होता है इन ग्लेशियर्स का वो क्या होता है, सूर्य की जो हीट पड़ती है यहाँ पे, रोशनी पड़ती है उससे वो मेल्ट हो जाते हैं है ना, उससे वो पिघल जाते हैं। मैनी इंपॉर्टेंट रिवर्स, जो कि बहुत नदियाँ हैं, महत्वपूर्ण नदियाँ जैसे कि लाइक द गंगा, यमुना, इंडस एंड ब्रह्मपुत्र स्टार्ट फ्रॉम द दिस मेल्टिंग ग्लेशियर। बहुत महत्वपूर्ण नदियाँ जैसे कि हमारी गंगा भी है, यमुना भी है, सिंधु नदी है, ब्रह्मपुत्र है, ये कहाँ से स्टार्ट होती है, इन्हीं ग्लेशियर से स्टार्ट होती है। किस रूप में, मेल्टिंग ग्लेशियर, जब ये ग्लेशियर पिघलते हैं तो उससे पिघलने के साथ ये स्टार्ट होती है। द क्लाइमेट इज वेरी कोल्ड हियर, यहाँ की क्लाइमेट जो होती है बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। एंड नॉट मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स आर फाउंड हियर, यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्लांट्स और एनिमल्स नहीं पाए जाते। Therefore, life is a very difficult in the greater Himalayan ranges. और यहाँ पे जो होती है ना जीवन जो होता है ग्रेटर हिमालय श्रृंखला में बहुत ज़्यादा कठिन होता है। Many माउंटेनियर came here every year to climb these peaks. बहुत सारे जो माउंटेनियर होते हैं, माउंटेनियर कौन होते हैं, पर्वतारोही होते हैं, जो पर्वत पे चढ़ाई करते हैं, तो वो यहाँ पे आते हैं प्रत्येक साल इन चोटियों पे चढ़ने के लिए। आप सबको पता माउंट एवरेस्ट पे भी चढ़ाई की थी, यानी चढ़े थे ना लगभग, तो उसे माउंटेनियर कहा जाता है जो वहाँ पे ट्रेकिंग करते हैं। नेक्स्ट, अब ये पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है लार्ज पीसेज ऑफ आइस कवरिंग द रिवर यमुना इन द हिमालय। अब देखिए ये ग्लेशियर्स यहाँ पे बने हुए हैं, तो ये लार्ज पीसेज ऑफ आइस जो बड़े बड़े पीस के टुकड़े होते हैं ना वो रिवर यमुना में कवर कर रहे हैं हिमालय से निकलते हुए है ना, तो ये आप देख पा रहे हैं तो ये ग्लेशियर्स का ही रूप होता है। नेक्स्ट लेट्स ट्राई 6, राइट वन वे इन विच द ग्रेटर हिमालयस आर यूजफुल टू अस, हमें एक तरीका बताना है एक, तो कि ग्रेटर हिमालय जो होता है वो हमारे लिए यूजफुल होता है। देखिए ग्रेटर हिमालय हमारे लिए क्यों यूजफुल है, फॉर्म ए नेचुरल बाउंड्री बिटवीन इंडिया एंड चाइना, देखिए इसलिए यूजफुल है कि एक प्राकृतिक सीमा तैयार करता है भारत और चीन के बीच में है ना, तो दो देशों के बीच में क्या करता है ये नेचुरल बाउंड्री तैयार करता है, तो इसका ये यूज है। लेट्स ट्राई 7, गेट इन टू पेयर्स, लुक एट द इमेजेस ऑफ द मिडल हिमालय एंड टिक द वर्ड्स डैट यू थिंक दिस इमेजेस डिस्क्राइब, मोर देन वन ऑप्शन कैन बी करेक्ट, शेयर द आंसर्स विद द क्लास। अभी देखिए हमने कौन से हिमालय की बात की थी, ग्रेटर हिमालय की, अब नेक्स्ट हमारी जो आ रहा है टॉपिक वो है मिडल हिमालय पे बेस्ड है, उसमें कुछ पिक्चर्स दिखाई दी है, तो उस पिक्चर्स को देखते हुए हमारे नेक्स्ट टॉपिक में क्वेश्चंस बन के आएंगे। तो फर्स्ट पिक्चर किसकी दिखाई दे रही है, ए फॉरेस्ट इन द मिडल हिमालय, अब देखिए फॉरेस्ट दिखाया गया मिडल हिमालय में। नेक्स्ट है टूरिस्ट ट्रैकिंग इन स्नो क्लैड हिमालयन माउंटेन रेंजेस एट मनाली ड्यूरिंग द विंटर सीजन, अब देखिए टूरिस्ट जो होते हैं वो ट्रैकिंग करते हैं यानी चढ़ाई करते हैं, जाते हैं वहाँ पे स्नो क्लैड हिमालय पे, जो स्नो ढका हुआ होता है ना हिमालय जो हमारा स्नो से ढका हुआ, वहाँ पे माउंटेन रेंजेस पे जाते हैं जो कि मनाली में है ड्यूरिंग द विंटर सीजन, वो भी कौन से सीजन में, विंटर में। टूरिस्ट इन शिमला ड्यूरिंग द समर सीजन, अब देखिए यहाँ पे आपको शिमला की पिक्चर दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे टूरिस्ट आए हैं
पर्यटक आए हैं जो किस अवधि में आए, समय पे आए, समर सीजन पे आए हैं ताकि यहाँ पे इंजॉय करने के लिए। ओके, नेक्स्ट इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। अभी हमने जो ग्रेटर हिमालय की बात की थी, अब हमारा टॉपिक जो हो रहा है वो कौन सा है, मिडल हिमालय पे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस है। लैंड सरफेस कैसा है इसका? देखिए लैंड सरफेस इसका भी रॉकी भी है, स्नोई है, मडी है, ठीक है। हाई पीक्स तो इसकी भी है, स्टीप स्लॉप्स है। तो देखिए ये क्या हुआ, जैसे हमारा ग्रेटर हिमालय होता है जो सबसे ऊंची चोटी होती है उसको कहते हैं, मिडल हिमालय जो होता है वो नीचे की तरफ होता है, और जो हमारा नेक्स्ट हिमालय जो आएगा वो सब डाउन साइड में होता है। तो लैंड सरफेस क्या है, आप यहाँ पे रोकी चट्टानें भी हैं, बर्फ भी पड़ी हुई है, और मडी यानी थोड़ी कीचड़ से सनी हुई भी होती है, और हाई पीक्स भी होती हैं, ऊंची चोटियाँ भी होती है, और स्टिप स्लॉप्स होते हैं, और जो स्टिप चढ़ाई जो होती है वहाँ की वो खड़ी चढ़ाई होती है। क्लाइमेट इन विंटर कोल्ड, यहाँ का जो क्लाइमेट होता है वो कैसा है, कोल्ड है। क्लाइमेट इन समर कूल, अब यहाँ का क्लाइमेट जो गर्मियों में वो क्या है, कूल है, ठीक है, इतना ठंडा भी नहीं, ठीक ठाक है। प्लांट लाइफ, अब प्लांट लाइफ कैसी है, यहाँ पे तो जंगल बताए गए ना, अभी पिक्चर में हमने देखा फॉरेस्ट बताए गए, तो फॉरेस्ट भी है यहाँ पे, एंड टॉल ट्री विथ पॉइंटेड लीव्स, और यहाँ पे बड़े बड़े लंबे लंबे पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, तो टॉल ट्रीज विथ पॉइंटेड लीव्स, ओके, तो ये चीज़ें वहाँ पे होती है। ओके स्टूडेंट, तो आप ये वीडियो को वॉच करते हुए इन सब को रीड करेंगे, हमारी अब डेली क्लासेस होगी आपकी, तो आपको ये ध्यान रखना है कि इन सब को हम रेगुलर इनकी स्टडी करते चलें, और कोई भी डाउट्स हो तो वो आप पूछ सकते हैं। ओके, तो इसलिए आप कम्प्लीटली क्लास पे फोकस करेंगे और अपना वर्क भी कम्प्लीट करेंगे, इसमें जो क्वेश्चंस हमने फर्स्ट में स्टडी किए थे उनको आपको अपनी नोटबुक में करना है, अपने जो ये अभी लिया हमने आज के टॉपिक में लेट्स ट्राई 4 के, तो उनको आपको अपनी नोटबुक में करना है। ओके, और सारी एक्टिविटीज़ आपको अपनी बुक में ही करना है, जैसे है उन पे टिक मार्क करना है। ओके, अंडरस्टैंड, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो क्लाइमेट इन विंटर्स कैसे बताया, कोल्ड, ये सब कंप्लीट हो गया हमारा, ये ध्यान रखना है इन सबको रीड करते हुए। ओके एंड थैंक यू।